गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, पूजा का हो चुका है काम, जो सुबह हम करते हैं पहाड़ तोड़ने का वो काम हो चुका है, और प्रसाद भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है और खा लिया है। तो गाइस अभी आपको लग रहा होगा ये बैग वैग पीछे क्या कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ अभी हम लोग निकलने वाले हैं कुछ ऐसी जगह जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट भरी होने वाली है, और वो जगह बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं। तो पहले तो पापा और मैं निकलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक के जरूर देखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर से कर देना। तो यार आज तो हमको भी नहीं मालूम कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं एक सुहाने सफर में। तो बने रहिए वीडियो में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग आए थे दुर्ग रेलवे स्टेशन पता करने की कौन सी गाड़ी जाती है गोंदिया तरफ। हम लोग सोचे थे कि गोंदिया जाएंगे, पर यार अब जो है कि यहाँ पे ट्रेन हमको मिल ही नहीं रही है। बोलते हैं कि पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, लोकल ऐसे जा ही नहीं सकते, और रिजर्वेशन के बाद ही होगा, और पहले से रिजर्वेशन कराओगे तभी जा सकते। यार दोस्तों हमारा तो लॉल हो गया कि क्या है ना, वहाँ पे पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा तभी आप कहीं जा सकते हो। अगर कहीं पास भी जाना है तब भी आपको पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, और आते समय जाते समय दोनों टाइम कोरोना चेकअप होगा। तो यार ये तो बहुत झंझट है और झंझट वाला काम है। तो अपन क्या कर सकते, अभी तो अपन नहीं निकल सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो वही हमारा पहले का जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं जा रहे हैं। अपना भिलाई सबसे प्यारा, हम उनसे बाहर जा ही नहीं पाते कहीं। तो पापा और मैं अभी भिलाई जा रहे हैं गाड़ी में, अपन एक्टिवा में आए थे, सोचे थे कि स्टैंड में खड़ा कर देंगे गाड़ी अगर जाने मिल जाएगा तो, पर अब तो जाने ही नहीं मिला, हमारा लॉल हो गया। पर ठीक है, स्टेशन का इतने दिनों बाद देखा तो अच्छा लगा, स्टेशन देख के मजा आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं भिलाई, अब देखते हैं कुछ प्लान बनाते हैं क्या करना है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग तो दिखाना ही पड़ेगा। हम लोग आए थे भिलाई और वही भैया जी चश्मे वाले के पास रुके थे, पापा भी अपने लिए देख रहे हैं जो मैंने यहाँ से लिया था, वही पापा भी ले रहे हैं अपने लिए चश्मा, देख रहे हैं कौन सा उनको पसंद आता है, देखते हैं। तो गाइस पापा को क्या है ना सन ग्लास टाइप का पसंद है, तो पापा को पसंद नहीं आ रहा, तो भैया बोले कि हाँ बाद में मंगा देंगे तो अपन ले लेंगे। हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, मैं सोचा था कि ट्रेन में जाऊंगा तो कहीं भूख लगेगा तो अपने साथ टिफिन लाया था, कुछ खा लूँगा, इसके अंदर था ग्रेप्स जो मैं खाता, लेकिन अब मैंने सोचा क्योंकि अब कहीं नहीं जा रहा तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी डाइट में रहना है, क्योंकि मेरा पेट ख़राब था और डाइट मेरा तो बहुत ज़रूरी है अभी, इसलिए मैं कुछ कुछ खाते रहता हूँ बीच बीच में अपने पेट को भरने के लिए, पेट को पूरा खाली नहीं छोड़ता हूँ, जिससे कि पेट को भी ख़राब नहीं हो और थोड़ा पावर हेल्थ मिलते रहे। पेट ख़राब था तो बहुत ज़्यादा ही पावर घट गया था, इसलिए मैं खाते रहता हूँ आजकल हेल्दी आइटम। अभी हम लोग जा रहे हैं नंदनी अनिवारा रोड, और देखते हैं आगे हमें क्या व्यू मिलता है। इधर है सीमेंट फैक्ट्री, ACC सीमेंट फैक्ट्री, जो कि हम आपको दिखाते हैं अभी आगे चल के। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं ACC सीमेंट फैक्ट्री के पास से, एक बार आपको व्यू दे देते हैं। जब आप रायपुर की तरफ जाते हो तब पावर हाउस से लेफ्ट साइड की हैंड की तरफ ये फैक्ट्री पड़ती है, दूर से आपको दिख जाएगी ये, इतनी बड़ी है। और इस रोड से बिलासपुर भी जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे बोर्ड भी है, ये जामूल सीमेंट वर्क, यहाँ पे देखिए पूरा सीमेंट की फैक्ट्री है, और साइड से पूरा घेरा बना हुआ है ACC का। यहाँ से एक बार साइड व्यू देख लो आप फैक्ट्री का, कितना बड़ा फैक्ट्री है। और यहाँ व्यू दिखाने के चक्कर में हम लोग यहाँ ऑफ रोड कर रहे हैं, देखो पूरा ऑफ रोड करते हुए भाई, ट्रक आ रही है, अच्छा वो उसके सामने नहीं थे वरना धूल हो जाता, ये पूरा सीमेंट वीमेंट का धूल पड़ता है इस साइड, गिट्टी विट्टी का भी कचरा पड़ता है, गिट्टी विट्टी भी ले जाते होंगे तो उस वजह से इतना खरदुरा है रोड, ट्रक्स भी ज़्यादा चलती है इस रोड में, भयानक धूल है यार। हम लोग सोचे थे कि बच के निकल जाएंगे, पर यहाँ ट्रक्स आ रही है और इतना सारा धूल, बाप रे पूरा, हाँ उधर नहीं जाना चाहिए हमको, वरना फिर अगर कहीं रास्ते में और दिख गई, अरे बाप रे ये कुछ दिख ही नहीं रहा है आँख में तो, अरे यार ये तो उल्टा आ रहा है। यहाँ कुछ जाते अपन इस रोड में, इधर बहुत ही धूल है, फुल ऑफ रोडिंग है, घूम फिर का शॉर्टकट लेके हम लोग यहीं पे आ गए इसी वाले रोड पे, अब यहाँ पे ज्यादा ट्रक्स,
ये सब इस फैक्ट्री में ही काम आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैक्ट्री मिल जाएगी, सिर्फ एसी सी ही नहीं है। ये देखिए पीछे का व्यू, बैक साइड व्यू, जिसमें एसी सी सीमेंट फैक्ट्री का बैक साइड व्यू है। ये इस रेलिंग में पूरी सीमेंट की बोरियां जाती है। ये देखो ऊपर में यहाँ पूरा पाइपलाइन है, रेलिंग बना हुआ, रेलिंग एक एक बोरी जाती है, एक एक बोरी बन के लाइन से बोरियां रखी रहती है। हाँ अच्छा, इसके ऊपर लाइन से बोरियां रखी रहती है। और इधर भी वही है एसी सी सीमेंट फैक्ट्री, पूरे तरफ एरिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे ही है एसी सी सीमेंट फैक्ट्री। अगर आपको देखना हो तो कभी आ सकते हो। एयरपोर्ट अहिवारा रोड, इसे बोलते हैं जामुल। और ये है नंदनी अहिवारा एयरपोर्ट रोड, जहाँ पे हम लोग अभी हैं। और चारों तरफ से अपन बस ये सीमेंट फैक्ट्री को घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी ट्रक्स भी चलती है यहाँ पे। बैक साइड व्यू है ये फैक्ट्री का। यह ही जबरदस्त बड़ी फैक्ट्री है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे अनोखे और सुंदर सुंदर जगह है जहाँ घूम सकते हैं। ये सब यहाँ सीमेंट के टैंक्स है। ये तो छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया। यहाँ ही बड़ी बड़ी ट्रक चल रही है सर। पहली बार आया मैं, धूल धूल है। आज मस्त नहाया था और फिर गंदा हो जाऊंगा। रोड तो इतना गंदा है दोस्तों, क्या बताऊं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे पूरे बिजली की तार भी है। अभी तो हम लोग पूरा गांव वाले एरिया में आ चुके हैं, लेकिन आगे बहुत ही बड़ी चीज है जो हम लोग दिखाने वाले आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला, इधर है नंदनी अहिवारा रोड है ये, और एयरपोर्ट पड़ता है यहाँ पे नंदनी में। तो हम लोग जा रहे हैं नंदनी एयरपोर्ट आपको दिखाने के लिए, और हम भी थोड़ा घूमेंगे एयरपोर्ट के पास। मेरे को लगा था सिर्फ रायपुर में ही एक एयरपोर्ट है, पर ऐसा नहीं है, नंदनी में भी एयरपोर्ट है, पापा तो बोल रहे हैं। और इस रोड से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं ऑफ रोडिंग करते करते। पूरा बेकार रोड है और ट्रक सबसे ज्यादा चलती है, ट्रक्स बस बस। गांव वाला एरिया है पूरा छत्तीसगढ़। मजेदार शहर है छत्तीसगढ़ भी घूमने लायक। अगर कभी आप कहीं दूसरे शहर से आते हो तो छत्तीसगढ़ भी जरूर आना, बहुत जगह है घूमने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आप भी कहीं घूमो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग छत्तीसगढ़ में और बहुत ही जगह घूमते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ शहर से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना। बहुत ही ठंडा माहौल है, नीचे थोड़ा ठंडा है लेकिन सर पे एकदम धूप है, बहुत ही तेज़ धूप है यार। और मस्त हवा चल भी रही है क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही है। अब थोड़ा साफ रोड आया सामने, फिर खुरदुरा आ गया। तो गाइज अभी अपन है बहुत ही बड़े खुले मैदान में, और सामने जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है शायद वही है एयरपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है और बड़ा भी दिख रहा है ग्राउंड। वैसे ये है एयरपोर्ट लेकिन इसमें बहुत ही कम प्लेन आती है। यही है एयरपोर्ट। गाइस पेड़ का कलर नहीं समझ में आ रहा है, पेड़ इतना धूल धूल हो गया है। और हम तो अभी आ रहे, कहीं हम भी ऐसी ना दिखने लग जाए बाद में। पूरा पेड़ का कलर चेंज हो गया है। आपको भले कैमरा में हल्का ग्रीन दिख रहा होगा, पर हमको कसम से पूरा ही कलर चेंज दिख रहा है।
रोड तो इतना खराब है क्या बताऊँ, रोड में काम करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खटर फटर आगे ट्रक भी चल रही है, वो भी कितना आवाज कर रही है। भिलाई एयरपोर्ट, यही है एयरपोर्ट दोस्तों, अंदर में बहुत ही बड़ा नंदनी का एयरपोर्ट जो अपन इतने देर से घूम रहे हैं, और यहीं से अपन कई बार जा चुके और आगे भाग गए थे अपन, फिर अपन वापस बैक आए तब हमको पता चला, गूगल मैप में भी मैंने एक बार सर्च मार लिया, तब हमको पता चला कि यही है नंदनी का एयरपोर्ट। अंदर जाना अलाउ नहीं है इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, डोर मैंने दिखा दिया आपको वही था। तो अपन आपको यहाँ से साइड व्यू दे रहे हैं नंदनी एयरपोर्ट का, बहुत ही बड़े एरिया में ये एयरपोर्ट है। ये जो है मेन एयरपोर्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई प्लेन नहीं दिख रहे होंगे उतरते हुए ना कि उड़ते हुए, और यहाँ पे रोड भी बहुत ही गंदा है क्या बताऊँ मैं आपको, इतने मुश्किल से अपन आए। पर ये एयरपोर्ट जो है अभी खाली है, शायद ये बंद हो चुका है, पहले चालू होगा पर अभी इसमें प्लेन नहीं उतर रही तो हमको नहीं लगता कि अभी खुला है। गाइस अभी अपन घुस चुके हैं कचांदू रोड बोड़े गांव के रोड में, और यहां पे हमें बहुत सारे गांव दिखने वाले हैं, गांव ध्यान जिसका हम आपको व्यू देंगे। ये रोड सबसे बढ़िया है, आए हम लोग दूसरे रोड से थे लेकिन जा अभी इस रोड से रहे हैं। गांव में यही दिक्कत है, जहां गांव स्टार्ट होता है ना, जहां समझ लो ब्रेकर आने लग गए वहां समझ लो गांव स्टार्ट हो गया, थोड़े थोड़े दूर में ब्रेकर दिखते गाँव में। रोड बढ़िया रहता है पर ब्रेकर दिखते हैं। सुनसान लागत सुनसान माहौल। तो ये छोटी छोटी घनी बस्ती है, 1500 की आबादी है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर नज़ारे, ऐसा खुला एरिया सिटी के अंदर देखने बहुत कम ही मिलता है। यहाँ पे है छोटा सा तालाब। तो गाइज गांव देहात की ऐसी ही पगडंडिया रोड रहती है, तो कैसा लगा आपको नज़ारा। हम वापस से फिर उसी वाले रोड पे आ चुके हैं जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री वाला रोड है, ये वही वाला रोड है, और फिर उससे होते हुए हम लोग यहाँ पे देखिए ईंटें बन रहे हैं, वाह ईंटों की बनावट हो रही है यहाँ पे, ईंटों बनाए जा रहे हैं और ईंट को अभी सुखाया जा रहा है, धूप में रखा गया है। और इस रोड से अपन पहुँच जाएंगे वापस वही सीमेंट फैक्ट्री वाले एरिया में। तो गाइस उस रोड से रिटर्न होने के बाद अपन पहुँच चुके हैं अभी कुरुत भिलाई रोड पे, अब हम आ चुके हैं कोका चौक, ये रहा। तो अब अपन पहुंच चुके हैं सुपेला रोड, और यहाँ पे संडे मार्केट लगता है बहुत ही बड़ा, तो आज संडे नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको मार्केट नहीं दिख रहा होगा। ये देखो गाइस यहाँ का मार्केट। तो गाइस इस व्लॉग को करने जा रही है यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको इस व्लॉग में मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। गुड बाय गाइस।